हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो और टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट का एक्सरे रोटेटेड फॉर्म में लिया जाए, यानी कि जब पेशेंट का एक्सरे लिया जा रहा है और पेशेंट रोटेटेड हो, तो आपको क्या मिसलीडिंग फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त वैल्यूएशन करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, जब भी चेस्ट एक्सरे लिया जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट और जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनकी तरफ से खास एक ख्याल रखा जाता है कि जो आपका चेस्ट एक्सरे लेते वक्त पेशेंट रोटेशन में ना हो। दोस्तों, अगर पेशेंट रोटेशन में रहा चेस्ट एक्सरे लेते वक्त, तो होगा क्या कि जो चेस्ट के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो ओवरलाइंग नज़र आएंगे, यानी कि वो उनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आएगी और वो लंग्स के ऊपर नज़र आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स हैं उनकी ब्लंटिंग नज़र आएगी। तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा बढ़ी हुई आती है अगर पेशेंट रोटेटेड हो। तो दोस्तों, जब भी पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है, चेस्ट एक्सरे खासकर, तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट कहीं से भी रोटेटेड ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट रोटेटेड होगा तो उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आएगी लंग्स के ऊपर, जिससे आपको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स ब्लंटेड नज़र आएंगे। दोस्तों, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स क्या होते हैं, इनकी ब्लंटिंग होने से कौन सी बीमारी होती है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स ब्लंटेड नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन हो। और अगर चेस्ट एक्सरे लेते वक्त पेशेंट रोटेटेड रहा तो आप ये मिसलीड करेंगे, मिस इंटरप्रेट करेंगे कि पेशेंट की ब्लंटिंग हो रही है, और आप ये इस डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन है। तो दोस्तों, इसलिए खास ख्याल रखा जाता है चेस्ट एक्सरे लेते वक्त कि पेशेंट किसी भी तरीके के रोटेशन में नहीं हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी आपको बताई, आपको पता थी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।